फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. सो लेट कंसिडर टू नंबर्स. कंसिडर बेटा टू नंबर्स. X and Y and two numbers जो है उनकी जो sum है बेटा वो है 27. तो sum जो दिया गया है sum is equal to 27. दो number की sum अपन ले लेंगे, मतलब X और Y की sum लेंगे 27. और एक दिया है कि उनका जो product है, इन दो number का product क्या दे दिया है 182. तो सीधा इन दोनों का product लो 182. बट अब इसके आगे सॉल्व कैसे करना है. सो सिंपल, ये टू वेरिएबल हो गए, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे कैसे. तो एक्स का जो वैल्यू है 27 माइनस वाई आएगा. कैसे आया, ये जो प्लस वाई है बेटा राइट साइड में चला गया, तो एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस वाई मिला. ये वैल्यू अपन पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. सेकेंड इक्वेशन कहाँ पे, यहाँ पे. ये दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट. तो x के जगह पे पुट करेंगे, तो ये जो x के जगह पे पुट करेंगे तो होगा 27 माइनस वाई, और एक y पहले से है 182. तो अभी क्या होगा बेटा, 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182. नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर 27y और 182 को इधर भेज दिया बट मैंने, बट अब ये सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगी, वाई स्क्वेयर हो जाएगा, फिर ये माइनस 27 वाई होगा और ये प्लस 182 होगा. साइन चेंज होना मतलब क्या, ये बेसिक कंसेप्ट है, एट्थ क्लास में आपने सीखा होगा या उसके पहले सेवन्थ में सीखा होगा. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगी, तो माइनस वाई स्क्वेयर हो गया प्लस 27y माइनस 27y माइनस 182 प्लस 182. अब ये जो क्वाड्रेटिक बनाया है y का क्वाड्रेटिक है, अब इसके रूट्स लाने हैं. तो रूट्स कैसे लानेंगे, तो आप इसके रूट्स फैक्टराइजेशन से ला सकते हैं या फॉर्मूला मेथड से ला सकते हैं, राइट, या कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो अपन इसके जो फैक्टर्स है, मतलब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे. अपने को प्रोडक्ट जो चाहिए 182 चाहिए और सम जो चाहिए बेटा माइनस 27 चाहिए, बराबर है. तो ऐसे दो नंबर ढूंढो. देखो ये रहता है प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज सम. तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 182 है और जिनका सम माइनस 27 आ रहा है. प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए बेटा. तो प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो कैसे, दोनों जो नंबर रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे. तो 182 कब आता है प्रोडक्ट, 1 × 182 आ सकता है, फिर 2 × 91, फिर 3 से तो नहीं होता है, देन 3 से तो नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है डिविजिबल. 7 इंटू क्या कर सकते हैं, देख लो, 2 × 7 × 2 यस 182 जो है 7 से डिविजिबल है, 14 और फिर 4 26 आ जाएंगे, करेक्ट 26. और फिर उसके बाद 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है 13 से डिविजिबल है क्या, देख लो, चेक कर लो सभी जन, 14 आ रहा है. तो मेरे को जो मिल गई है पेयर 13 और 14, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव. तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे. क्यों नेगेटिव होंगे, क्योंकि सम नेगेटिव चाहिए बेटा, देख लो सम नेगेटिव चाहिए, हो गया. अब अपने को जो ये मिला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिला था, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वाई स्क्वेयर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? वाई वाई माइनस 13 यहाँ पे रहेगा बेटा, और फिर 14 कॉमन आएगा इन दोनों में, और यहाँ पे कौन आएगा? वाई माइनस 13, राइट। और अब वाई माइनस 13 ब्रैकेट कॉमन लो, वाई माइनस 14 बचेगा दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, फिर वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 लो, तो वाई इक्वल टू 13 आ जाएगा बेटा, वाई इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो ये जो दो नंबर्स जो अपने को चाहिए थे वो ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। थैंक यू।